तेलंगाना हुकूमत ने तमाम राशन कार्ड्स यानी सफेद और पिंक राशन कार्ड्स को मंसूख कर दिए हैं और अब इन राशन कार्ड्स की जगह नए फूड सिक्योरिटी कार्ड्स हुकूमत की जानिब से आवाम को मुहैया किए जाएंगे। फूड सिक्योरिटी कार्ड हासिल करने के लिए आपको मोहल्ले की राशन की दुकान पर दरख्वास्त दाखिल करना पड़ेगा। दरख्वास्त फार्म राशन की दुकान पर भी मिलेगा। फूड सिक्योरिटी कार्ड घर की खातून के सदर खानदान के नाम पर जारी होगा। दरख्वास्त फार्म पुर करने का तरीका कुछ इस तरह है। सबसे पहले दरख्वास्त फार्म में घर की खातून का यानी वुमन का नाम दर्ज करना होगा। नंबर दो पर शोहर का नाम दर्ज करना होगा। नंबर तीन पर आधार कार्ड नंबर, नंबर चार पर इलेक्शन आईडी कार्ड, आधार कार्ड ना होने की सूरत में दर्ज करना होगा। नंबर पाँच पर डेट ऑफ बर्थ, पैदाइश की तारीख दर्ज करना होगा। नंबर छः पर मुकम्मल घर का पता, नंबर सात पर मोबाइल नंबर, नंबर आठ पर गैस कनेक्शन नंबर, नंबर नौ पर कंज्यूमर नंबर, नंबर दस पर एजेंसी का नाम, नंबर ग्यारह पर ऑयल कंपनी का नाम और बी जदवल में घर के दूसरे अफराद के नाम और तफसीलात से आगाह करना होगा और जदवल बी में घर के दूसरे अफराद के नाम और तफसीलात दरख्वास्त फार्म में दाखिल करना होगा। दरख्वास्त फार्म 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। आधार कार्ड की जेराक्स का भी दरख्वास्त फार्म के साथ दाखिल करना होगा। हर फूड सिक्योरिटी कार्ड पर एक फर्द के लिए 4 किलो चावल फराहम किए जाएंगे। फी खानदान ज्यादा से ज्यादा 30 किलो चावल मुहैया किए जाएंगे। फूड सिक्योरिटी कार्ड पर दीगर गजाई अजनास भी रियायती कीमतों पर फराहम की जाएंगी। हैदराबाद न्यूज़ urdu.com